में कोई बुराई नहीं है। और तीसरे मोर्चे के मुख्य भूमिका में हम लोग रहने वाले हैं, हम लोग समर्थक है कि थर्ड फ्रंट की सरकार होनी चाहिए, थर्ड फ्रंट का भी विकल्प होना चाहिए देश के अंदर। दिल्ली में इसके खिलाफ अपने सरकार बार बार वही बात कह रहा हूँ कि लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए। अच्छा चलिए, आप कैमरा में भैया, आप कैमरा में बता दीजिए दूल्हा कौन बनेगा। अरे आप कैमरा, आप सर दो साल से राज्य सरकार में कहीं मुख्यमंत्री का कोई दावेदार था? दुल्हन तो क्लियर हो गई ना, लोकतंत्र दुल्हन अभी तो क्लियर होना चाहिए। दो साल पहले ये भाजपा सरकार में दूल्हा कोई नहीं था। अरे वो भैया बीच में कल के कार्यक्रम कल का बता दिए, थोड़ा बता दीजिए आप। आपसे सवाल नहीं किया जाएगा, आप बीमार हैं, आप सवाल नहीं किया जाएगा। कोई पहली बार तो है नहीं, मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ, पहली बार हमारी तैयारी पूरी तरह से हो रही। जैसे क्या टाइमिंग है, क्या कार्यकर्ता 10 बजे समय दिया गया है कार्यकर्ताओं को, 11 बजे तक आ जाना चाहिए 11:30। कितनी भीड़ जुटने की संभावना है? समझता हूँ लाखों लोग आएंगे, इस तरह से जनता का भाव लग रहा है गठबंधन की तरफ, लाखों लोग होना चाहिए सर। चलिए चलिए, आप लड़ाई किससे मानते हैं, बस एक छोटा सा, लड़ाई किससे मानते हैं? भाजपा से लड़ाई, भाजपा से। कांग्रेस? कांग्रेस क्या लड़ेगी, कांग्रेस कहाँ है? ठीक आम आदमी पार्टी राम प्रसाद चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी राम प्रसाद चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद।